अनुपमा दिखाएगी वनराज को उसकी औकात तो बहुत जल्द यहाँ पर उसकी नाक में दम करके रखने वाली है अनुपमा। एक तरफ तो समर तोशु को पता चल चुका है उसके बाप की असली चेहरा, उसके बाप की असली औकात। अब सिर्फ पाखी बची है जिसे पता चलते ही यहाँ पर सारे बच्चे हो जाएंगे अनुपमा के सपोर्ट में। और अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जैसे ही देविका अनुपमा से मिलने के लिए आती है, वनराज उससे पूछता है और कहता है, कहाँ जा रही हो, इतनी रात होने वाली है, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है, और तुम चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा। जैसे ही वनराज के मुंह से ये सारी बातें अनुपमा सुनेगी, वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और उसे कहेगी, मुझसे सवाल पूछने का हक आप खो चुके हैं। अनुपमा ये कहकर गाड़ी में बैठकर देविका के साथ वहाँ से चली जाती है और वनराज उसे जाता देख बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने आप का सब मुँह लेकर के खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर आप देखेंगे कि जब अनुपमा देविका के साथ वक्त गुजार के घर वापस आती है, तब वनराज अनुपमा को जलील करता है और कहता है, अपनी सहेली के शय में बहुत उड़ने लगी हो तुम, लौट तो आई हो लेकिन मत भूलो मेरे नाम की ये सीकर तुम्हें अपने गले में पहननी ही पड़ेगी। जाओ अपनी उसी सहेली के साथ रहो, अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। ये कहकर वनराज अनुपमा के मुंह पर मेन गेट का दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे बाहर ही खड़ा रहने देता है। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी दिलचस्प कि जब हर एक गलती की सज़ा अनुपमा देने वाली है वनराज को, उसके हर एक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली है, अब ऐसे में इस हरकत पर क्या होगा अनुपमा का रिएक्शन। क्या वो एक बार फिर से वनराज के आगे अपना सर झुका देगी और मान लेगी उसकी बात, या फिर करेगी बगावत। ये सब कुछ सोमवार के एपिसोड में हम सबको देखना होगा। बेहद इंटरेस्टिंग।